नमस्कार। प्रसिद्ध कवि लीलाधर मंडलोई का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुआ। उनका बचपन सतपुड़ा की घाटियों में बीता है, जहां से उन्होंने कविताओं की प्रेरणा ली है। वो प्रसार भारती के महानिदेशक, भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक और नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। लीलाधर मंडलोई विश्व रंग के सह निदेशक भी हैं। तो मैं पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना समय दिया, जबकि ये व्यस्त समय है। विश्व रंग भी की भी तैयारियां हो रही हैं और आपकी अपनी भी व्यस्तताएं हैं। और सबसे पहले तो आज जो हमारा जो मूल विषय है, विश्व रंग 2020, पिछले वर्ष मैं वहां आया था और आप लोगों की कृपा से मुझे भी सम्मानित किया गया था, तो आपसे छोटी मुलाकात भी थी। तो सबसे पहले तो सर, आप इसके सह निदेशक हैं और संतोष जी के साथ हमारी बात हुई थी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो इसमें कंट्रीब्यूशन है और जो परिकल्पना विश्व रंग की है, वो मूलतः क्या है? नमस्कार ललित जी। ऐसा है कि आपको मालूम है, मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन, इसके अलावा भारतीय ज्ञानपीठ में काम करता रहा हूँ, और रेडियो और दूरदर्शन में रहकर मैंने हजारों इवेंट्स की हैं जो कला, साहित्य, संस्कृति, इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई रही हैं। तो संतोष जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ मानी खेज करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है और हम लोग शुरू करते हैं। और विश्व रंग की जो एक अवधारणा थी, उस अवधारणा को उनके साथ मैंने शेयर किया। जो फेस्टिवल आप 2019 में देख कर गए थे, उसको हम लोगों ने लोक भाषाओं से लेके विश्व भाषाओं तक और प्रवासी भारतीयों के साहित्य तक एक तरह से उसको बुनने का काम किया, उसकी संरचना की। तो इस तरह से उसमें साहित्य भी था और कलाएं भी थी। ये तो अच्छी बात ये है कि हमारे जो संतोष जी हैं, वो किसी भी चीज में भरोसा करते हैं और जोखिम लेते हैं। तो शायद उसका परिणाम था कि ये इतना बड़ा आयोजन हम लोग कर सके मिलकर। एक पूरी टीम थी जिसने इसे अंजाम दिया। और इस वर्ग के विश्व रंग में जब कोरोना के चलते ये सारे संकट हमारे सामने आए कि हम श्रोताओं या दर्शकों के समक्ष कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमने उनके विकल्पों पे सोचना शुरू किया। और विकल्पों में फिर हम लोग ने सोचा कि जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको समावेशी बनाते हुए इस वर्ष के आयोजन करें और कोशिश करें कि उसमें इस बार विश्व के दूसरे देश भी इसमें जुड़ सकें। तो लगभग 15 देश अब हमारे साथ हैं, और आप लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अहम है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमने अपने हिंदी का परिवार इस तरह से बहुत विस्तृत कर लिया है, और वो आपकी उपस्थिति के बगैर हो नहीं सकता था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस साल भी चीजों को इस तरह से करने की कोशिश की है, और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले साल से बहुत सारी चीजें कंटेंट के स्तर पर अलग होंगी, प्रस्तुति के स्तर पर अलग होंगी, और ये एक अलग अनुभव इसलिए होगा क्योंकि 6, 7, 8 तो आप लोग अपने देशों में फेस्टिवल कर रहे हैं, जी फिर उसके बाद 20 से हमको शुरू करना है, तो जी 20, 21, 22 और 23 से लेके 26 तक फिर फिल्म का फेस्टिवल है, राष्ट्रीय कला संगोष्ठी है और राष्ट्रीय चित्रकला है, जिसमें करीब 700 कलाकार हिंदुस्तान और बाहर के भाग ले रहे हैं। तो ये एक तरह का बड़ा आयोजन है। जी बिल्कुल। तो मंडोई जी, ये मुझे ये कहने में बहुत बहुत प्रसन्नता है कि हालांकि मैं थोड़ी बहुत कविताएं लिखता हूं, पर इस वर्ष 7 तारीख को हमारा जो लंदन से कार्यक्रम हो रहा है, उसमें मेरा एक वृत्त चित्र ईस्ट मीट्स वेस्ट
इंडो ब्रिटिश सिनेमैटिक एनकाउंटर्स, जो सिनेमा में 1930 से लेके 51 तक जो सानिध्य और सहयोग रहा है उस पर वो डॉक्यूमेंट्री है। अगर आपकी व्यस्तताओं के रहते आपको समय मिले तो आप जरूर देखें। तो ये एक एक अलग ढंग से। ललित जी, मैंने मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देख ली है आपकी। अच्छा, आप देख चुके हैं? जी 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 हाँ, देख चुका हूँ मैं। बहुत जी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई आपने। जी जी चलिए, आप क्या कोई उस पे टिप्पणी करना चाहेंगे डॉक्यूमेंट्री पर? नहीं, मतलब वो जो ईस्ट मीट वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मुझे खैर बहुत ही अच्छा लगा, और उसका प्रोडक्शन अच्छा है। क्योंकि मैं भी फिल्में बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेरा भी सब्जेक्ट है, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कुछ नई चीजें भी मुझे देखने सुनने को मिली। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे इसके पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़े, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जो विश्व रंग था वो एक तरह बहुत सारे इस तरह के सांस्कृतिक और लिट फेस्ट भारत में उसकी परंपरा चल पड़ी है पिछले वर्षों में, लेकिन आपका बिल्कुल भिन्न था, लेकिन बहुत वृहत था, बहुत वृहत था। कई बार ये भी कई बार ये ऐसा भी होता था कि कोई इवेंट तो आपको अच्छा लगता है और दूसरा एक इवेंट जो दोनों में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो इसका जो पूरा एक कॉन्सेप्ट था और उसकी जो उपलब्धियां थी, तो मेन उपलब्धियां पिछले वर्ष के विश्व रंग की आप कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, उपलब्धियां ये है कि हम लोगों, मेरे दिमाग में एक चीज ये थी कि आप जानते हैं कि सिर्फ साहित्य को लेकर जो फेस्टिवल होते हैं वो थोड़े से डल भी हो जाते हैं, ड्रैग भी कर जाते हैं। तो हम अपने दर्शकों के मानस पटल पर कलाओं की आवाजाही रखना चाहते थे, और कलाओं की आवाजाही के कारण उन्हें ये अनुभव हो कि आप बहुत सारी कलाओं में एक साथ हैं। तो ये जो एक फील जो हम देना चाहते थे, जिसमें कि आपने देखा होगा लोक संगीत था, लोक नृत्य थे, मुखौटा प्रदर्शनी थी, इसके अलावा दूसरी कार्टून प्रदर्शनी थी, किताबों का संसार था, हम लोगों ने किताबों का एक पूरा का पूरा प्रदर्शनी का इंतजाम किया हुआ था। तो मतलब आप जहां से भी निकले, आपको ये अनुभूति हो कि आप कलाओं की दुनिया में हैं। और इसमें हम सफल रहे शुरू से लेके अंत तक। और एक एक खास तरह का जैसा फेयर होता है, तो कला और संस्कृति का एक फेयर, उसको हम लोगों ने अपनी कल्पनाओं से एक आकार दिया था। जी बिल्कुल। तो इसमें इस वर्ष जो है ये जो जूम से एक तरह से जो एक संकट आया है, उसमें एक जो अल्टरनेट जो मीन्स हैं वो बहुत ज्यादा उभर के आए हैं। और विश्व रंग में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में अगर आप देखें, साहित्य के क्षेत्र में देखें, फेसबुक में देखें, तो एक तरह की नई धारा इससे निकली है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि इस वर्ष के बाद विश्व रंग 3 जो होगा उसमें एक तरह से लोगों का ये भी कहना है कि ये जो वर्चुअल दुनिया है ये भी एक पार्ट बन जाएगी, भले हम कोरोना से बाहर निकल जाएं, और सबको उम्मीद है कि हम लोग निकलेंगे? ऐसा है, देखिए नैनी जी, इस वर्ष का चूंकि स्वरूप बदला हुआ है, लेकिन स्वरूप बदलने के साथ हमने ये जरूर किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होते हुए भी हमने एक तो देखिए पूर्व रंग उसका जो रखा है, पूर्व रंग के साथ ही हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जुटना शुरू हो जाएंगे, और 6-7-8 के बाद वो एक लंबा गैप है, उस लंबे गैप में वो रजिस्ट्रेशन है और दूसरी तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, और कथा यात्रा पर तो कार्यक्रम हमने बहुत पहले से शुरू कर दिया था और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। तो सारे लोगों ने एक तरह से कोशिश ये की है कि वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की क्वेरीज जो थी वो क्वेरीज बहुत आई हैं, और उसमें सभी वर्ग के लोग हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये वाला जो फेस्टिवल होगा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपनी तरह का अनूठा इस अर्थ में होगा कि पिछला हमारा एशिया में होने वाला उस तरह का पहला आयोजन था, और अब ये विश्व में होने वाला दूसरा
अपनी तरह का एकदम अलग आयोजन है। आपको और पूरे विश्व रंग को सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। हालांकि हम सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये हमारा भी उत्सव है, पर चूंकि ये एक बहुत अच्छा मौका है आपसे बातचीत करने का, तो मैं आपके आकाशवाणी और आपके अन्य जो उपलब्धियां हैं एक प्रोफेशनल लेवल पे, उस पर मैं बाद में बात करना चाहूंगा। इस बीच में मैं आपकी कविताओं से बहुत प्रभावित हुआ हूं और इस मौके की वजह से मैंने आपकी कविताएं पढ़ी हैं। तो आप अपने जीवन के जहां से आपने शुरुआत की और कविता की जो संवेदना आप में आई, वो दुनिया में रहते पढ़ते और इतना व्यस्तताओं के बावजूद भी वो कैसे आपकी विकसित हुई? ललित जी, ऐसा है कि मैं सतपुड़ा के इलाकों से आता हूँ, जहां पर आसपास नदियां थी, वन्य जीवन था, वनस्पतियां थी, आदिवासी थे और तरह तरह के जो कोयला खदानों में दूसरे प्रदेशों से आने वाले वो लोग थे, तो उनके बीच में रहते हुए मुझे अनुभव का बहुत विरल संसार मिला। और उसके साथ साथ हुआ ये कि जो कविता मेरी जिंदगी में आई वो सतपुड़ा से आई, और उस कविता में ही मैंने देखा कि वो सारे एलिमेंट्स थे जो फिल्म में हो सकते थे, चित्रकला में हो सकते थे और नाटक में हो सकते थे। तो कविता का रास्ता ही मेरा सारी चीजों का रास्ता था। सतपुड़ा में जिन ध्वनियों को मैंने सुना, उससे मुझे रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग समझ में आई कि ध्वनि का क्या महत्व है और बोले हुए शब्द का क्या महत्व है। और जब मैं दूरदर्शन में 15-16 साल रहा तो ध्वनि मेरे पास थी, अब दृश्य था, तो जो जिन दृश्यों को जिस तरह से मैं देखता था, मतलब एक्सट्रीम क्लोजअप में, मिड शॉट में, लॉन्ग शॉट में, पैनिंग में, तो ये सारी चीजें आप देखते हैं, तो मैं अपनी आंखों का इस्तेमाल कैमरे की तरह करता हूँ और कानों का इस्तेमाल माइक्रोफोन की तरह करता हूँ। तो इस तरह से दूसरी विधाओं में भी मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुई समझने में, और फिर मैंने फिल्में भी बनाई और रेडियो में हजारों कार्यक्रम बनाए होंगे जी, जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज से लेके तमाम चीजें थी। तो मंडल जी, मैं आपकी मुझे मालूम है कि आपका आप पर क्या प्रभाव, क्या प्रेरणा आपके माता पिता की रही है, कितने संकटों से आप सारे भाई बहनों की पढ़ाई हुई, आपने अपनी माँ पर भी बहुत लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी 2-3 कविताएं, मैं इस मौके का लाभ उठाना चाहता हूँ कि 2-3 कविताएं आप मुझे हम लोगों को पढ़कर जरूर सुनाएं। ललित जी, जहां तक कविताओं की दुनिया का सवाल है, तो मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि ये संज्ञान या ये ज्ञान हमको अब जाकर हुआ कि जिन 5 तत्वों से हम बने हुए हैं जी, उन 5 तत्वों से ही सृष्टि बनी हुई है और सृष्टि से हम बने हुए हैं, लेकिन हमने उस सृष्टि को भूलने का एक लंबा सिलसिला शुरू किया और सृष्टि के साथ बहुत अनाचार किया। अब तरह तरह की जो महामारियां आ रही हैं, तरह तरह के जो भूकंप आ रहे हैं या सुनामी जैसे आंधी और तूफान आ रहे हैं, ये सब उसी सृष्टि में हुए असंतुलन की वजह से हुआ है। तो मेरी कविताओं के मूल में वन है, वन्य जीवन है, सृष्टि है, और मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि जिसे कहना है कविता कहे, मैं भाषा में सृष्टि को रच रहा हूं। वाह, तो कविताओं में मेरी कोशिश वही होती है, और सृष्टि में सब कुछ शामिल है, उसमें प्रेम है, करुणा है, ईर्ष्या है, तमाम तरह के जो तत्व हैं वो इस सृष्टि से ही आपको मिलते हैं, और उनको समझने का जो एक तरह से आप में हुनर होता है या सलाहियत होती है, उसी से आप लिख पाते हैं। जी, तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम 1 या 2 कविताएं अगर हमें सुनाएं तो बहुत अच्छा होगा। जी, आपका सवाल बहुत अहम है, और लेकिन वो पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रहा है इस समय आपका सवाल। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी 1 या 2 कविताएं हम सुनना चाहेंगे।
अच्छा। तो चलिए दो एक कविताएं मैं सुनाता हूँ, मुझे कुछ कविताएं जुबानी याद रहती है तो जी मैं सुना देता हूँ। चलिए मैं दोस्तों को लेकर एक कविता सुनाता हूँ। दुनिया जी में कम से कम दो चार दोस्त तो ऐसे हों जो रास आए अपनी कमजोरियों में, हंसे इतना खुलकर कि उनमें मक्कारीदा हो, बात करें तो बस ठीक सामने, आंखें घूमे ना किसी और तरफ शिकारी सी, करो ये सब भी तो कोई उज्र नहीं, इंतजार ना करो किसी की पीठ घूमने का, घूमने पर जो करोगे वार तो रह जाएगा बस इतना मलाल कि होते हुए विदा बेचारा न देख सका तुम्हारी आंखें तुम्हारी हंसी। वाह एक सतपड़ा का बिंब है वो भी सुना देता हूं जी कि जिनका सिरहाना ताउम्र पत्थर रहा हो वाह उन्हें तकिए पर नींद नहीं आती, बहुत खूब जिनका सिरहाना ताउम्र पत्थर रहा हो उन्हें तकिए पर नींद नहीं आती, पत्थर की कोमलता हर कोई नहीं जानता, क्या पत्थर बात। की कोमलता हर कोई नहीं जानता। तो ये दो कविताएं मैंने आपको सुनाई। मुझे लगता है कि जो वक्त हमारे पास है जी उस वक्त में, वरना कवि तो बहुत सारी कविताएं सुनाना चाहता है, पर हम लोग एक विशेष उद्देश्य से यहाँ हैं। जी बिल्कुल, हमारे एक मित्र हैं जो कि हम लोगों ने सूचना विभाग में काम शुरू किया था, ओम निश्चल जी, उन्होंने आप पर एक संकलन का संपादन किया है, तो एक कविता आप अपने अपने मदर पे, या एक आपकी कविता है तुमने एक बूढ़े के पांव छुए फिर बटुआ टटोला, एक कविता आप मेरे कहने पर और सुना दें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जी सुनाइए। नहीं सर आप सुनाएं। अच्छा। कुंती ने जी कर्ण को नदी में बहाते समय रख दिए सबसे महंगे स्वर्ण आभूषण। कुंती ने जी कर्ण को नदी में बहाते समय रख दिए सबसे महंगे स्वर्ण आभूषण, रखना भूल गई ममता, वाह रखना भूल गई ममता, पर उसने मांगा उसी का मूल्य कर्ण से अपने बच्चों के लिए। कर्ण के लिए उसने कुछ नहीं मांगा, ना भगवान कृष्ण से ना अपने बच्चों से। क्या बात है, क्या बात है बडलोई जी। तो बडलोई जी आप समय का उपयोग करते हुए, मैं एक चीज जो मुझे बहुत जिसने प्रभावित किया वो ये कि आप जब अपने मूल जगह से आप पढ़ने के लिए आए, तो एक आपका मैंने वक्ता भी पढ़ा कि जब आप बीएड के लिए आए तो पता लगा कि आपके जो अब पढ़ाई है वो सादी अंग्रेजी में होनी है, और मैं भी हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, मैंने भी बीए से अंग्रेजी में शिफ्ट किया था, तो जो आपकी जो चुनौती थी वो मुझे उसने बिल्कुल ऐसा लगा कि जो मैंने उससे तादाद में मेरा उससे एक तरह से एस्टेब्लिश हुआ, तो उस अनुभव को आप बताना चाहेंगे हमें बहुत थोड़े में। मुझे लगता है कि अनुभवों का संसार बहुत जटिल और बहुत संश्लिष्ट है। किसी अनुभव को जब हम बताना शुरू करते हैं तो वो एक दो मिनट में बता नहीं सकते ललित जी, क्योंकि उसके उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, उसकी बहुत सारी परतें होती हैं। तो मेरे ख्याल से अनुभवों के अलावा हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इस बारे में ज्यादा अहम होगी कि एक एक हमारा संसार बन रहा है, आपका और हमारा, उस संसार के बारे में बात करें। जैसे मुझे एक चीज की कमी हमेशा लगा करती थी, और वो ये कि जब प्रवासी भारतीयों का साहित्य हम लोग पढ़ा करते थे तो आपकी डॉक्यूमेंट्री में तो विजुअल अपील और ये तमाम चीजें आ जाती हैं, रचनाओं में ये विजुअल्स उस तरह के नहीं आते, उस तरह की ध्वनियां नहीं आती। लेकिन इस फेस्टिवल में जैसे आपकी डॉक्यूमेंट्री से हमको बहुत, अगर हम कहें कि आप इंग्लैंड कह रहे हैं तो इंग्लैंड हमको दिखाई दे रहा है, अगर आप नीदरलैंड कह रहे हैं तो हमको नहरें दिखाई दे रही हैं, हमको वानगाग का म्यूजिक दिखाई दे रहा है। तो हमारे इस फेस्टिवल में होना कुछ ऐसा चाहिए कि जो आप और हम मिलकर कर रहे हैं उसमें
चूंकि ये विजुअल मीडिया है तो उसमें विजुअल्स की जगह बहुत उभर के आनी चाहिए, और आपका जो लिखा हुआ है उसके उसके बैकग्राउंड में वो देश तो हो, उसकी छवियां तो हों। तो इस बार ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि लोगों ने यात्रा वृतांत भी रखे हैं, संस्मरण भी रखे हैं, कहानियां भी रखी हैं, डायरी भी रखी है, रिपोर्टाज भी हैं और डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से विजुअली एक बहुत जो रिच फेस्ट है वो इस बार संभव होगा आप लोगों की वजह से। मंडलोई जी, आपका जो पूरा एक तरह से जीवन का जो अनुभव रहा है वो श्रव्य और दृश्य के माध्यम से रहा है। आकाशवाणी में आपने एक बहुत ही सामान्य स्तर से शुरुआत करके आप डीडी चैनल में और आकाशवाणी के उच्चतम पद पे रहे हैं। तो जो आपका अनुभव है वो किस तरह से आपके इस विश्व रंग में एक तरह से उससे लाभ होता है, और मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे पहले ये भी बताएं कि आपने किस तरह से आकाशवाणी में एक नया नई शुरुआत की। जैसे आपने कई ऐसे कार्यक्रम बनाए जो कार्यक्रम पहले नहीं बनते थे, जैसे ठेले वाले पे कार्यक्रम है एक जिसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स विचारधारा आपने विकसित की, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आप थोड़ा आकाशवाणी के बारे में बताते हुए हमें बताएं। देखिए क्या है कि आकाशवाणी में एक चीज तो हम लोगों ने ये की कि जब टेक्नोलॉजी पूरी बदल रही थी और ऑब्सलीट हो रही थी, तो हमने एफएम ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर ध्यान दिया और तकरीबन 500 से अधिक एफएम स्टेशंस पूरी दुनिया में खोले। और मैंने अपने पीरियड में जब मैं डीजी था तो 2 साल के पीरियड में 260 के आसपास एफएम स्टेशंस खोलकर एक अच्छी क्वालिटी के साथ, और उसमें किया ये कि ऐसी ऐसी जगह पर खोले जहां पर बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, और मैं ये चाहता था कि सारी बोलियां भी ब्रॉडकास्टिंग में आ सकें, सारे तरह के संगीत आ सकें, लोक कलाएं आ सकें। तो जब हम लोगों ने 500 से अधिक एफएम का नेटवर्क स्थापित किया तो हमने अपना एक आर्काइव्स बनाना शुरू किया, जो भाषाओं का था, बोलियों का था, संगीत का था, दुर्लभ विधाओं का था। तो एक तो ये हमने बड़ा काम करने की कोशिश की। इसके अलावा हमने जो छोटे से छोटी जगह थी वहां का भी अगर कोई एक अहम लिखने वाला था उसको भी हमने रिकॉर्ड किया, ताकि आने वाला जो समय है वो उनकी आवाजों के माध्यम से उनके लिखे पढ़े को जान सके। और जैसे ये साउंड का मीडिया है तो हमने जो नेचुरल साउंड्स थे हर जगह के, नदियों के, जंगलों के, पहाड़ों के, जानवरों के, तो वो साउंड्स बहुत सारे हमने अपने आर्काइव्स में रिकॉर्ड करके रखे। दूसरा काम ये किया कि हमारे पास जो 75 साल की परंपरा के जो सबसे दुर्लभ आर्टिस्ट थे, जो अब आज नहीं है, सबसे दुर्लभ जो विधाएं थी उनकी सीडीज बनाने का काम किया, ताकि लोग उसे खरीद कर अपने घर में इत्मीनान से सुन सकें। और दूरदर्शन में रखे तो हमने डीडी भारती एक चैनल ही बनाया था जिसमें कि सारी कलाओं के लिए जगह थी और दुर्लभ से दुर्लभ चीजें वहां पर दिखाई जाती हैं। मंडोई जी, इसके बाद आप साहित्य के क्षेत्र में भी गए, आप आपने ज्ञानपीठ में भी जाकर के आपने काम किया, तो ये जो एक तरह का मल्टीफेरियस जो आपका करियर रहा है उसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। ललित जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, मैं अभी ठीक से आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं। जी मैं आपसे जानना चाहता था कि आपने अपने दूरदर्शन के करियर के बाद आप साहित्य के क्षेत्र में भी आपने जाकर के प्रशासनिक पद संभाला, उसका जो अनुभव था या उसमें जाने की जो आपकी आकांक्षा थी उसको आप वो आप में कैसे पैदा हुई? देखिए क्या है कि अपनी नौकरी से निकलने के बाद
मैंने भारतीय ज्ञानपीठ ज्वाइन किया था और वहां मैं निदेशक था, और इसके साथ वहाँ जो पत्रिका है वहां की, नया ज्ञानोदय, उसका संपादक था 5 साल तक। तो वहां पर भी मैंने, जो उसके पहले वहां नहीं होता था, हर महीने में साहित्य और संस्कृति की एक सीरीज शुरू की जो इंडिया हैबिट सेंटर में होती थी, और 5 साल तक, या कहें लगभग 6 साल तक, वहां हर बार कोई ना कोई हिंदुस्तान का एक बड़ा रचनाकार आता था, ये शुरू की। और उस बीच में हमने अंक बहुत अलग तरह के निकाले, जैसे हमने जी विस्थापन पर निकाले, पर्यावरण पर निकाले, आपदा पर, जो आप है जी उसको निकाले, घर को लेकर अंक निकाले। और हर साल हम लोग भारतीय भाषाओं का एक अंक अनिवार्य रूप से दिसंबर महीने में निकाला करते थे, और बसंत के महीने में बसंत का एक अंक अनिवार्य रूप से होता था। तो एक बड़ा परिवार वो हमने नया गानों के माध्यम से बनाया, और चूंकि वहां किताबों का भी प्रकाशन होता है, तो जो सबसे अलग और सबसे दुर्लभ किस्म की किताबें हो सकती हैं, उन किताबों को छापने का भी काम किया, जो कि साहित्य से भी थी, संस्कृति से भी थी, और लीलाधर पुरस्कार तो जी, चलते ही थे ज्ञानपीठ। जी अब चूंकि हमारे पास 5 मिनट का समय है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपका अगला जो कार्यक्रम है उस पर खलल पड़े, तो आपने जो फिल्मों पे काम किया है, जो एक एक फिल्मेकर के तौर पे भी आपका आपका कंट्रीब्यूशन है, तो उसको थोड़ा आप हमें बताएं कि किस तरह से आप फिल्मों से जुड़े और किस तरह की कृतियां आपने बनाई फिल्मों के तौर पे। अब फिल्मों में तो ये है कि टेलीविजन में रहते हुए, एक तो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर मूल काम किया, और जिसमें जैसे मुक्तिबोध के ऊपर, श्रीकांत वर्मा के ऊपर, जे स्वामीनाथन पर, कुमार गंधर पर, इस तरह की कई डॉक्यूमेंट्रीज अपने उस कार्यकाल में बनाई, और जो सिलसिला अभी तक जारी है। इसके अलावा मैंने भारत की जो 24 भाषाएं हैं अंग्रेजी को मिलाकर, उनमें 500 कहानियों की टेलीफिल्म बनवाने का काम किया था, जो एक बहुत जी बड़ा काम था। तो आज कम से कम ये है कि जो भारतीय साहित्य में कहानी की जो स्थिति है, और वो भी 24 भाषाओं में, तो उस पर फिल्में बनाना एक कठिन काम था। लेकिन हम लोगों ने, मतलब आदिवासी, मतलब नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल लैंग्वेजेस में भी फिल्में बनवाई, वहां की कहानियों और लोक कथाओं को लेकर। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा काम किया। और फिर हमने कुछ चैनल्स खास तौर पर अपने पीरियड में खोले, जिसमें डीडी भारती था, जिसमें डीडी उर्दू था, और डीडी किसान चैनल था, तो इस तरह से, और भाषाओं में। तो कुल मिला के 30 से अधिक चैनल आज ऑपरेट कर रहे हैं जो भाषाओं में थे। तो मुझे लगता है कि हम लोग अपनी भाषाओं को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर बहुत ज्यादा सरोकार में थे। तो हमने कॉमर्शियल काम नहीं किया, हमने सांस्कृतिक काम किया। पंडोई जी, आपने इतनी सारी बातें हमसे की इतने कम समय में, विश्व रंग के बारे में, कविताओं के बारे में, अपने आकाशवाणी दूरदर्शन के बारे में, फिल्मों के बारे में, तो मैं अंत करना चाहूंगा कि आपके जीवन में जो प्रेरणाएं रही हैं, जैसे मुक्तिबोध से आप बहुत प्रभावित रहे हैं, तो आपको आज अपने जीवन के इस पड़ाव में आने पर प्रेरणा काम करने की, रचनात्मकता की कहाँ से मिलती है, उससे अगर आप सम अप करके कहें तो बहुत अच्छा होगा। मेरी सारी प्रेरणा में प्रकृति है, कायनात है, ये सृष्टि है, जहां से मुझे रोज लगता है कि जीवन चल रहा है, नदी बह रही है, सूर्य उसी तरह से उग रहा है। तो हम लोग क्यों पीछे रहे, जितना हो सकता है हमको प्रकृति के साथ एक राग में चलना चाहिए, और अगर उसके साथ राग में चलते रहे, तो आपको सारी प्रेरणाएं इस सृष्टि से ही मिलती हैं, पंडोई क्योंकि जी, सारी कलाओं का आवास इस सृष्टि में ही है। हम लोग बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं सारी दुनिया से और भोपाल से विश्व रंग में, तो आप दो चार पंक्तियों में क्या संदेश देना चाहेंगे
हम सभी के लिए और उन सभी के लिए जो आपको देखेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग एक होना चाहते हैं, एक परिवार होना चाहते हैं, और हम वो तमाम चीजें जो हमारी कल्पना से परे हैं, हमारे साहस से परे हैं, उनको आपस में मिलकर अर्जित करना चाहते हैं। हम हारना नहीं चाहते। सीधी सी बात यह है कि हम जैसे प्रकृति हारती नहीं है, हम लोग भी अपने एंडेवर में, अपने काम में हारना नहीं चाहते, और वो तभी होगा जब हम सब एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे, तो ये जो एका है हम सब लोगों के बीच की, वो बनी रहे। मुंडोई जी, आप विश्व रंग के संचालकों में से हैं, तो आपने अपना समय दिया इतनी व्यस्तताओं के बावजूद, तो मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ हृदय से, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जल्द आपसे शुक्रिया। मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।